संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि इस पे पहले चर्चा नहीं हुई है, पहले भी चर्चा हुई है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनी है लेबर इश्यूज के लिए, वहां भी इस मसले को लेकर बैठक हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने बुला के हमको बोला है, तो अपने शब्दों से वो कभी मुकरेंगे नहीं। हमारा काम होगा, इसी सरकार के दौरान होगा। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर, लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को होली से पहले मिला बड़ा तोहफा। ईपीएस ओपीएस डीए एरियर को लेकर हुआ बड़ा फैसला, 4% डीए बड़ा एरियर का भी होगा भुगतान, आदेश जल्द यानी जारी होने वाला है। अप्रैल से खाते में बढ़कर के आएगी सैलरी। तो आप सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी आज दिन भर की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। उन अपडेटों को जानेंगे वीडियो में विस्तार से, जो कि सभी पेंशन धारक और केंद्रीय कर्मचारी उन सभी के लिए काम की अपडेट होने वाली है। तो आप भी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या फिर आप पेंशन धारक है ईपीएस के, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या सरकार ने आपकी पेंशन से जुड़ा फैसला किया है, जिसके अनुसार आपकी कितनी बढ़ेगी पेंशन? सुप्रीम कोर्ट से पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी हो चुका है, तो इस फैसले को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अंतिम फैसला सुनाया है? पेंशन से जुड़ा मामला काफी लंबे समय से पेंशन धारकों का 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को लेकर लंबित है, जिसको लेकर क्या अपडेट होने वाली है? फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश जारी हुआ है? और आप सभी पेंशनर से उनके काम की खबरें होने वाली है। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिएगा, आपके लिए पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसको जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की लेटेस्ट रोजाना ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आपकी पेंशन से जुड़ी ताजा महत्वपूर्ण अपडेट को, कि आखिर इसके अनुसार पेंशन कितनी बढ़ेगी, अगर पेंशन बढ़ेगी तो किन पेंशन धारकों की बढ़ेगी, और इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली, क्या सरकार ने कोई ऐसा फैसला किया है या फिर नहीं, तो इस अपडेट की पूरी सच्चाई जानेंगे वीडियो में विस्तार से। तो अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर देखने को मिली कि मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर आदेश जारी किया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी ऐतिहासिक फैसला आपकी पेंशन को लेकर जारी हुआ है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन अब कितनी बढ़ेगी। अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे अपडेट देखने को मिले हैं कि आपकी पेंशन 7,500 रुपये होगी, 8,500 रुपये होगी या फिर 9,000 रुपये, इसमें से कौन सी लिमिट आपकी पेंशन में अब मिनिमम जो 1,000 रुपये की मिलती है उसकी जगह लागू होने वाली है, तो इसको लेकर फैसला क्या होने वाला है, सरकार का आधिकारिक ऐलान क्या होने वाला है। और अगर बात करें इस पेंशन के अपडेट को लेकर, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट मिली है कि पेंशन आपकी जो 1,000 रुपये की मिलती है, जिससे बढ़ा करके सरकार 7,500 प्लस डीए लागू करने जा रही है। तो क्या सरकार ने फाइनली इसको लेकर फैसला कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला आपकी पेंशन जुड़ा बताया जा रहा है, क्या सच में अब आपको पेंशन है ईपीएस की जो 1,000 रुपये की मिलती है वो 7,500 प्लस डीए के साथ मिलना शुरू होगी, और क्या न्यूनतम पेंशन है सरकार ने इस फैसले को लेकर बढ़ाने को जो फैसला है उसके ऊपर मोहर लगा दी है। तो इस तरह की यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है, जिसमें इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला हुआ है और पेंशन आपकी 1,000 रुपये की जगह 7,500 प्लस डीए होगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, हायर पेंशन मिलेगी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक सरकार से फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला बताया जा रहा है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसा कोई भी फैसला आपकी पेंशन से जुड़ा जारी नहीं किया है, और जिसके अनुसार सीधा ही आपकी पेंशन है जो 1,000 रुपये से बढ़कर के 7,500 प्लस डीए होगी। लेकिन पेंशन की डिमांड यही है काफी लंबे समय से कि सरकार मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर के 1,000 रुपये से 7,500 प्लस डीए लागू करे, लेकिन फिलहाल सरकार से ऐसी कोई घोषणा आधिकारिक नहीं की गई है कि 7,500 रुपये आपकी पेंशन होगी, साथ में मेडिकल की सुविधा मिलेगी या फिर हायर पेंशन मिलेगी। तो इन तमाम जो पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगी है, जिसको लेकर यह मामला लंबित है, और सरकार ने 90 दिनों का पेंशनर्स को आश्वासन दिया। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि सरकार ने पेंशन धारक उनको अनिश्चितकाल हड़ताल को देखते हुए 90 दिनों का आश्वासन दिया, जिसके अनुसार सरकार पेंशन में बदलाव करेगी। तो फिलहाल सरकार यह निश्चित करेगी कि पेंशन में कितना बदलाव होगा और जिसके अनुसार पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कोई फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की अपडेट आपको मिली कि आपकी 7,500 रुपये की पेंशन लागू होगी या फिर 8,500 रुपये की, लेकिन कन्फर्म अभी फैसला आना बाकी है, सरकार के द्वारा निश्चित किया जाएगा कि आखिरी पेंशन है कितनी बढ़ेगी। उसके बाद ईपीएफ और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात करें, तो इस तरह का कोई भी फैसला सरकार ने और ईपीएफ ने सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया है, यह सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के पेंशन के भेदभाव से जुड़ी, क्या सरकार पेंशन का भेदभाव अब पूरी तरह से खत्म करेगी, कि आप 2006 से पहले के रिटायर्ड हैं या फिर 2006 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी, तो अब आपको पेंशन किससे यानी कि छुटकारा मिलेगा भेदभाव का था, जो आपको कम ज्यादा पेंशन मिलती थी, अब आपको बता दें कि सरकार से इस तरह की बड़ी अपडेट मिली है कि अब आपको राहत मिलेगी। तो क्या सरकार ने आप सभी की पेंशन के भेदभाव को लेकर अपडेट जारी की है? इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली कि पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन और पेंशन का जो भेदभाव है वो खत्म हुआ है, और आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब पेंशन धारक है उनकी सभी की जो पेंशन के भेदभाव की टेंशन थी वो खत्म होने वाली है। भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि पेंशनभोगी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
फिर भी पेंशन प्रणाली में एक चिंताजनक असमानता मौजूद है जो कि 2006 से पहले सेवारत हुए लोगों पर गलत प्रभाव डाल रही है। ऐसे में पेंशन का भेदभाव तत्काल सरकार है वो खत्म करे, इसकी यानी कि आवश्यकता है। सरकार से कर्मचारी पेंशन मांग भी कर रहे हैं। तो क्या अब आपका जो पेंशन का भेदभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में जो विसंगति है उसको लेकर क्या अपडेट होने वाली है? और पेंशन को लेकर विसंगति बताई जा रही कि जो पेंशन का भेदभाव है उसको लेकर अपडेट मिली है, और 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगी उनकी पेंशन है तत्काल बढ़ाई जाए, इसको लेकर क्या अपडेट होने वाली? क्या आपकी पेंशन का भेदभाव है वो यानी कि खत्म हो जाएगा, सभी को समान पेंशन मिलेगी, और पेंशन भोगी एक यानी कि समान फॉर्मूले को लेकर भी मांग की गई है, एक समान पेंशन प्रणाली सुनिश्चित हो? तो इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली उसको विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो को कृपया करके ध्यान से देखते रहिएगा। सभी की जो पेंशन एक समान हो और पेंशन का जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए, तो भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक इनकी जो अधिकारों की गारंटी देता है, और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें कि पेंशन योजना जैसी सरकारी नीतियां भी शामिल है। ऐसे में सभी को जो पेंशन है वो एक साथ यानी कि समान पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन को भेदभाव को जो समस्या है उसे यानी कि पेंशन धारकों को छुटकारा दिया जाए, पेंशन को लेकर भेदभाव उसको खत्म होना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है। तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में क्या विसंगति है? तो आपको बता दिया जाए कि कार्मिक और पेंशन विभाग छठे वेतन आयोग यानी जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छठे केंद्रीय वेतन आयोग CPC के तहत दो अलग अलग यानी कि फॉर्मूले लागू किए गए, जिसमें से एक 2006 से पहले और उसके बाद 2006 से रिटायर्ड लोग या कर्मचारी पेंशनर से उनके लिए इस तरह के दो फॉर्मूले होने वाले। इससे एक बड़ा यानी कि मतभेद पैदा हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप 2006 से पहले के पेंशन भोगी और 2000 यानी कि 6 के बाद के पेंशन भोगी के साथ भेदभाव हो रहा है, और पेंशन भोगी उनके परिवार को 2006 से पहले के पेंशन भोगी है और उनके परिवार को पेंशन राशि बहुत ही काफी कम मिल रही है। तो पेंशन को लेकर यह विसंगति पाई जाती है, इसको लेकर कहा कि पेंशन धारक इस विसंगति को दूर करना चाहते हैं कि सरकार पेंशन का भेदभाव खत्म करे। पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह विसंगति समानता के सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा DSL जो नकारा है, जो DS का उसके नकारा के मामले में ये दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संपूर्ण यानी कि जो देश के साथ सेवा की है, जो कि अपना संपूर्ण देकर के जो यानी कि पूरा उम्र देकर के जिन कर्मचारियों ने अपनी योगदान दिया है, तो उनकी सेवा में ये उचित व्यवहार उनके साथ ऐसा यानी कि बर्ताव न किया जाए। जो पेंशन का भेदभाव है, कम ज्यादा पेंशन धारकों को जो पेंशन धारकों को जो पेंशन मिली है वो एक समान पेंशन मिलनी चाहिए। मनमाने कट ऑफ तारीख के आधार पर पेंशन वितरित करना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि सिस्टम की निष्पक्षता में विश्वास को भी कम करता है, और इससे जबरदस्त असमानता ने 2006 से पहले के पेंशन भोगियों के लिए भारी मुश्किल पैदा कर दी है, और उनकी आय लिमिट ऊपर से बढ़ती है, और महंगाई भत्ते के कारण उन्हें पेंशन भी अपर्याप्त यानी कि मिलती है, जो पर्याप्त पेंशन भी नहीं मिलती है। 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन धारकों की पेंशन है जो तत्काल बढ़ाया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज के अनुसार 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी की तुलना में कम पेंशन मिलने से उनके ऊपर और भी दबाव बढ़ गया है। ये भेदभाव अन्याय न केवल पेंशन धारकों को बल्कि उनके परिवार को भी प्रभावित करता है, इसलिए भारत के पेंशनर समाज एवं इस भेदभाव प्रथा के खिलाफ सही ढंग से आवाज उठाता है और इसे तत्काल सुधार की मांग करता है। इनके सभी पेंशन धारकों उनके लिए समान फॉर्मूले की मांग की गई है कि समान पेंशन धारकों को मिले, जो एक यानी कि 2006 से पहले के रिटायर्ड कर्मचारी, एक 2006 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको जो कम ज्यादा पेंशन मिल रही है उस पेंशन के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, सभी के लिए समान पेंशन लागू की जाए और सभी को यानी कि उनका हक है उन्हें दिया जाए। इस तरह की पेंशन जो इनके धारकों की मांग है कि सरकार पेंशन के भेदभाव को खत्म करे, लेकिन अधिकारी का कोई भी इसकी घोषणा नहीं हुई है कि पेंशन का भेदभाव पूरी तरह से खत्म किया जाएगा या सरकार कब खत्म करेगी, तो उसको लेकर पेंशनर्स के द्वारा ये मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने कोई निश्चित फैसला अभी तक जारी नहीं किया है। तो इस तरह की EPS और OPS का है, तो OPS को लेकर फिलहाल कोई अधिकारी सरकार ने बाली को लेकर निर्देश नहीं जारी किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अब NPS में संशोधन होगा, यह निश्चित हो पाएगा। फिलहाल NPS के संशोधन को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी नहीं जारी हुई है, नहीं OPS को बाल करने को लेकर कोई अपडेट मिली है कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि सरकार OPS बाल नहीं करेगी। NPS के संशोधन को लेकर कमेटी बनाई थी, वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं निश्चित की गई है कि किस तारीख को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि आपका अप्रैल से पहले पहले पेंशन को लेकर ये लंबित फैसले जिसको लेकर सरकार नए कदम उठा सकती है। तो इस तरह की आज दिन भर की आपके लिए अपडेट होने वाली है।